हेलो गाइस, तो आज का जो वीडियो टॉपिक है किचन चिमनी। आप लोग अगर ले रहे हैं किचन चिमनी, लेने के बाद या फिर लेने से पहले आपको जो चीज करना होता है, आप किचन चिमनी में तो एक पाइप लगाया जाता है, ठीक है। तो उसका जो डायमीटर होता है वो 6 इंच का होता है। ये जो डायमीटर है, यहाँ पर जो भी आप ऑनलाइन से या फिर किसी भी रिटेल शॉप शॉप पे चिमनी खरीदेंगे, तो वहां पर आपको जो चिमनी आप ले रहे हैं उसका जो पाइप आप लगाएंगे, या तो आप पाइप लगा रहे हैं प्लास्टिक का हो सकता है, एल्यूमिनियम का हो सकता है, कोई भी पाइप अगर लगाएंगे तो ये जो रिड्यूसर है, ठीक है, पाइप लगाने के लिए जो दिया गया है, इसका जो डायमीटर है ये 6 इंच का होता है। ये देखिए, इसका जो डायमीटर है, देखिए यहाँ पर लिखा ही गया है, इधर एक कितना लिखा गया है, देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे 150 mm, 150 mm, ठीक है। तो 150 mm का ये डायमीटर होना होगा आपका। तो प्लास्टिक का पाइप आप ऑनलाइन से मंगा सकते हैं, एल्यूमिनियम पाइप ऑनलाइन से मंगा सकते हैं। देखेंगे ऑनलाइन में, चेक करेंगे तो वहां पर दिखेगा 6 इंच डायमीटर लिखा होगा, 6, ठीक है। तो ये जो है ये आपका 6 इंच का होना चाहिए। देखिए आप लोग अगर देख पा रहे हैं तो ये 6 इंच का है पूरा, इसका जो डायमीटर है ये 6 इंच का है। तो सेम टू सेम आपको होल कटिंग कितना करना पड़ेगा, तो आपका किचन में होल कटिंग मतलब पाइप का एक साइड आप यहाँ पर डालेंगे तो दूसरा साइड तो निकलेगा ना आपका किचन रूम से बाहर तरफ, तो उसका जो डायमीटर है वो कितना करना पड़ेगा, मतलब होल कटिंग साइज किचन में कितना होना चाहिए आपका किचन में, तो वही चीज हम आपको बता रहे हैं। कि देखिए जैसे कि एक साइड आपका इधर 6 इंच का है, तो दूसरा साइड भी आपका इसका जो है वो दूसरा साइड भी आपका 6 इंच का ही होता है। तो दीवार में आपको 6 इंच का तो पहले तो आपको लगा करना होगा ही। देखिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए 6 इंच डायमीटर है ही। तो 6 इंच अगर पूरा करेंगे तो निकलने में पाइप जो दीवार से निकलेगा, निकलने में थोड़ा सा परेशान मतलब आपको दिक्कत होगा, ठीक है। तो उसको एकदम इजी से निकालने के लिए आपको करीबन 6.5 इंच करीबन आपको थोड़ा सा 6.5 इंच अगर थोड़ा सा देखिए 6.5 इंच अगर कर देंगे तो आपका जो है पाइप इजीली जो है होल से बाहर तरफ निकल जाएगा। तो इसीलिए हम आप लोग पूछते रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं कि पाइप के लिए किचन में जो होल साइज है वो कितना करना होगा। तो 6.5 से 7 इंच आप अगर रखेंगे तो इजीली एल्यूमिनियम पाइप हो चाहे प्लास्टिक का पाइप हो, इजीली आप अपना किचन के चिमनी के लिए जो है पाइप लगा के उसको अच्छे से बाहर तरफ निकाल पाएंगे, ठीक है। और हमेशा ही याद रखना है, पाइप जो भी लगाएंगे वहां पर एक ठो काउल मतलब जो जाली है बाहर तरफ से जरूर लगाइएगा, क्योंकि नहीं तो बारिश के टाइम में या फिर उसमें बाज जो है पंछी वगैरह वहां पर घोंसला वगैरह कर देता है तो फिर दिक्कत आता है। तो इसीलिए इसको हमेशा ही ढक के रखना है, जब भी आप चिमनी परचेज करेंगे उसमें जाली जरूर लगाएंगे, ठीक है, हर एक चिमनी के साथ। तो आशा करता हूँ आपका जो भी क्वेश्चन था मन में कि आपका किचन चिमनी के लिए जो होल कटिंग साइज वो कितना होना चाहिए, आपको आशा करता हूँ पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग पूछते रहते हैं कि ये जो है ये 4 इंच का पाइप लगाने से होगा कि 2 इंच पाइप लगाने से होगा, देखिए ये जो है ये 6 इंच का ही आपको मिलता है, ये आपको 6 इंच का ही मिलता है, कंपनी के तरफ से ही रहता है, बॉक्स में से आपको मिलेगा। आपको अगर इसको घटाना है, 4 इंच का आप लगाना चाहेंगे तो इसको सबसे पहले इसमें और एक तो आपको जोड़ना होगा रिड्यूसर, जिसमें पाइप उसका अगर 4 इंच होगा देन आप 4 इंच का पाइप उसमें यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपका 6 इंच ही घुसेगा, 4 इंच इसमें जगह नहीं है, 4 इंच देखिए 4 इंच से छोटा हो जाएगा ना, तो होगा नहीं। इसीलिए हमेशा ही आपको और एक तो रिड्यूसर जोड़ के अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको 6 इंच डायमीटर में ही आपको पाइप लगेगा। ऑनलाइन से मंगाएंगे, ऑनलाइन में बहुत कम प्राइस में प्लास्टिक का पाइप भी मिलता है और एल्यूमिनियम पाइप भी मिलता है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से डायरेक्ट आप लोग परचेज कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिल गया होगा। अगर आपको किचन चिमनी कैसे इंस्टॉल किया जाता है देखना है, इस वीडियो के एंड में आपको एक वीडियो मिल जाएगा, वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, फिर आपको प्रॉपर नॉलेज हो जाएगा कि चिमनी का इंस्टॉलेशन घर में आप खुद से ही कैसे करेंगे या फिर कैसे किया जाता है चिमनी का इंस्टॉलेशन, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय, टाटा।